मॉर्निंग क्लास फोर टुडे वी विल अंडरस्टैंड कंप्यूटर चैप्टर टू। चैप्टर टू में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम। तो देखेंगे फर्स्ट इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन में जीरो आर एंड वन आर नोन एज, जीरो एंड वन नोन एज क्या है, बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स। तो हमने ये पढ़ा था जीरो एंड वन को मेमोरी में बाइनरी नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। नंबर टू है कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ डैश टाइप। कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितने टाइप की होती है, तो हमने पढ़ा है कंप्यूटर की मेमोरी टू टाइप की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड देखेंगे प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज डैश। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या मेन मेमोरी। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है हम उसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे डैश इज ए टेम्परेरी मेमोरी। कौन सी है जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो कौन सी है, वो है रैम, आर ए एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी क्यों होती है, अगर हम कंप्यूटर को शट ऑफ कर देते हैं तो ये मेमोरी भी रिमूव हो जाती है, डाटा रिमूव हो जाता है, इसलिए हम इसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो रैम पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे भी रैम फिल करेंगे। फिर फिफ्थ डैश वॉज डेवलप्ड बाय फिलिप्स एंड सोनी इज 1995। 1995 में फिलिप्स और सोनी ने क्या डेवलप किया था, डीवीडी। तो हम इस पे डीवीडी पे टिक लगाएंगे और डीवीडी फिल करेंगे, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट देखेंगे डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। तो क्या है जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, तो पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, तो पेन ड्राइव हम यहाँ पे फिल करेंगे। सेकेंड है डैश इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस सिमिलर टू डीवीडी बट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या है ऐसा, है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो सिमिलर है डीवीडी से बट उसमें कैपेसिटी ज्यादा होती है डाटा स्टोर करने की। नेक्स्ट देखेंगे डैश वॉज इन्वेंटेड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1982। तो क्या है, सीडी, सीडी जो है, सीडी यहाँ पे फिल करेंगे। सीडी जो है फिलिप्स एंड सोनी ने 1982 में डेवलप की थी, तो यहाँ पे सीडी फिल करेंगे। फोर्थ देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज डैश। एक्सटर्नल मेमोरी को और हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ डैश वॉज इन्वेंटेड बाय आईबीएम टीम। क्या है जो आईबीएम टीम ने इन्वेंट किया था, वो है हार्ड डिस्क। तो इसमें यहाँ पे फिल करेंगे हार्ड डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाय आईबीएम टीम, ठीक है। तो आप इस तरह इनको फिल करेंगे अपनी बुक में और इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।